हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नोरा फतेही की जीवन कहानी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसके जीवन की कुछ खास बातों के बारे में। नोरा फतेही एक कैनेडियन मॉडल, डांसर, सिंगर, प्रोड्यूसर और अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से भारतीय फिल्म जगत से जुड़ी हुई है। नोरा एक बेहद अच्छी बेली डांसर भी है। नोरा ने कई आइटम सॉन्ग्स पर डांस किया है जैसे साकी साकी, दिलवर, कमरिया आदि। नोरा हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी नज़र आती है। साल 2014 में नोरा ने बॉलीवुड फिल्म रोर से अपना डेब्यू किया था। तेलुगु सिनेमा में उन्होंने अपने आइटम नंबर के पॉपुलरिटी मिली। नोरा फतेही का जन्म कनाडा में हुआ था। वह मोरक्कन फैमिली से आती है। नोरा फतेही ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म रोर टाइगर ऑफ द सुंदरबंस से की थी। उसके बाद वह तेलुगु फिल्म टेम्पर में नजर आई। इसके बाद वह तेलुगु फिल्म किक टू और बाहुबली के आइटम डांस में नजर आ चुकी है। नोरा हिंदी के रियलिटी शो बिग बॉस के 90वें सीजन में भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्ट के रूप में नजर आई है। इसके अलावा वह डांस रियलिटी शो झलक दिखला में भी भाग ले चुकी है। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म माय बर्थडे सॉन्ग में नोरा अभिनेता संजय सूरी के अपोजिट लीड रोल में भी दिख चुकी है। साल 2020 की डांस फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में नोरा पहली बार सहायक भूमिका के रूप में दिखाई दी। 16 मार्च 2021 को नोरा के गाने दिलबर ने यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यू को पार कर लिया और वह इस रिकॉर्ड को सेट करने वाली पहली अफ्रीकी अरब महिला कलाकार बनी। नोरा की आगामी फिल्म 1 बिलियन रिटर्न और थैंक गॉड में दिखाई दी गई। नोरा की फिल्म 1 बिलियन रिटर्न और थैंक गॉड में शामिल थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।